दोस्तों नमस्कार, पांडे क्विज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ने अनुकंपा से पाने वाले नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता का नियम हटा दिया गया है। तो आपको बताएंगे कि अनुकंपा से क्या होता है और अनुकंपा से किस तरह से नौकरी मिलती है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और हमारे चैनल पांडे क्विज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। क्योंकि मैं यहाँ पे रेलवे रिक्वायरमेंट से लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट आपको डेली स्टडी मटेरियल की वीडियो ऑनलाइन टेस्ट फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो सबसे चलते हैं कि क्या है न्यूज़। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो पेपर है उसमें प्रकाशित हुआ आज के दिन RRB ग्रुप बी रिक्वायरमेंट 2018 अनुकंपा से नौकरी पाने के लिए न्यूनतम योग्यता का नियम हटा। तो अनुकंपा वैसा होता है कि जब भी कोई कर्मचारी रेलवे में काम कर रहा है या तो उसी के दौरान उसकी मौत हो जाती है या किसी मेडिकल के कारणवश उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है तो उसमें फैमिली को उसमें नौकरी दी जाती थी। तो पहले क्या होता था कि नौकरी से आपको फैमिली वो मिनिमम क्राइटेरिया फिल नहीं कर पाता था, जैसे मैट्रिक पास नहीं है वाइफ, उसका बेटा मैट्रिक पास नहीं है, तो नौकरी मिलने से वंचित हो जाता था। तो इस नियम को रेलवे ने हटा दिया गया है। तो यहाँ पे आपको पढ़ के बताते हैं न्यूज है क्या। ग्रुप डी भर्ती, रेलवे ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वालों के लिए न्यूनतम योग्यता का नियम हटा दिया है। अनुकंपा या कर्मचारियों के आश्रित को नौकरी देने के लिए अभी तक नियम था कि रेलवे में सेवा के दौरान किसी की मौत हो जाती है या कोई मेडिकल कारणों के चलते समय से पहले रिटायरमेंट लेता है तो उसके परिजनों को रेलवे न्यूनतम योग्यता के आधार पर नौकरी देता था। जैसे कि ग्रुप डी की नौकरी के लिए 10वीं पास होने का नियम जरूरी था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रेलवे बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि क्षेत्रीय रेलवे के सामने बार बार यह समस्या आ रही है कि कर्मचारी की पत्नी या विधवा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं रखती थी जिससे उन्हें सुविधा के महरूम होना पड़ता था। लोगों की शिकायत को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने आश्रितों की नौकरी के लिए लागू होने वाले न्यूनतम योग्यता का नियमों को हटाने का फैसला किया है। यह मामला काफ़ी समय से मंत्रालय में विचाराधीन था, लेकिन अब नए नियम के अनुसार यदि किसी पे मैट्रिक लेवल 1 के कर्मचारी की पत्नी न्यूनतम योग्यता नहीं रखती है तो उसे लेवल 1 की नौकरी आसानी से मिल जाएगी। रेलवे में अनुकंपा के आधार नौकरी कर्मचारियों की पत्नी या विधवा को दी जाती है। तो दोस्तों, ये बेसिकली न्यूज़ था जो अनुकंपा आज से हट गया है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी क्वेश्चन रेलवे करंट अफेयर में आ सकता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।